ये बड़ी घटिया मानसिकता के लोग हैं जो कहते हैं कि मनुस्मृति अच्छी है, मर मिट जाएंगे लेकिन मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे। हमारा अपना कुछ है, कुछ मेहनत करके बनाओ भी, ये कब्जा जमाना ही आता तुम लोगों को। बेचारा भोला है, इनोसेंट है, उसे पता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र में उसको कहाँ जगह मिलेगी, उसको पैरों में जगह मिलेगी। लेकिन अब EWS का भीख इन्होंने क्यों ले लिया, क्यों कटोरा फैला करके ले लिया, मंदिरों में ये कटोरा लेके बैठे दान के नाम पर। और देखिए परिवर्तन जो है ना वो धीरे धीरे आता है, और ये तो व्यवस्था का परिवर्तन, ये तो विचार का परिवर्तन है, तो इसमें तो समय लगेगा। अभी बहुत सारे लोग पहले इस तरह के कार्यक्रम नहीं मनाते थे, अब इस तरह कार्यक्रम होने लगे हैं, तो ये सामाजिक लोग अभी लगे हुए हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं, जितने उनके पास कम संसाधन है उसमें भी कोशिश कर रहे हैं। अब बाकी परिवर्तन का एक समय पर आपके पास मैं नहीं बोल सकती थी, मैं सिर्फ घर और बच्चे जानती थी, लेकिन आज बोल रही, परिवर्तन नहीं। साफ थे तो इस कारोबार में थोड़ा सा आई, लेकिन फिर डाउन होने लगा धीरे धीरे, फिर वही रास्ते पे आने लगा। हर महापुरुष के जाने के बाद ना कुछ स्पेस ऐसा खाली रह जाता है, उस समय पर क्रांति नीचे कहीं ना कहीं तैयार हो रही होती है, पनप रही होती है, और 10 से 20 साल का ऐसा गैप होता है जहां फिर से दोबारा इस देश के अंदर इस दलितों में, बहुजनों में और ओबीसी में, पिछड़ों में एक महापुरुष पैदा होता है। तो हो सकता है ये वही पीरियड है जब लग रहा है कि कुछ नहीं है, उसी समय पर लगा। आज का दिन बड़ा दिन खास है महिलाओं के लिए, खासकर आप जैसी महिलाओं के लिए। देखिए खास तो होगा ही, जहाँ कहा गया कि सृष्टि का जितना भी लोग आज जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छा खाना भोजन खा रहे हैं, वो सब केवल ब्राह्मणों की देन है। एक ऐसा विधान बनाया जिसमें कहा गया कि औरत केवल उपभोग की वस्तु है, उसको किसी तरह के हक अधिकार नहीं है। आज उन हक अधिकारों को नहीं दिया गया था, तभी महिला को यहाँ तक आने में इतना लंबा समय लगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज ही के दिन मनुस्मृति जला करके ये साबित कर दिया कि महिला इस देश ही नहीं, इस दुनिया की सृष्टि की रचनाकार है। क्योंकि पुरुष आज जमीन का हकदार है, तो वो कहीं ना कहीं महिला से ही जन्म होकर के महिला के विरुद्ध कानून बना रहा है। तो ऐसे लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबक के तौर पर मनुस्मृति जला करके साबित कर दिया कि नहीं, महिला भी समान। मनुस्मृति तो जली लेकिन वो विचार नहीं जला, वो विचार कायम है। देखिए आज मैं वही बात कहना चाहती हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे उस विचार को जलाएंगे, मेरे जैसी बेटियां जलाएंगी, और हजारों बेटियां हैं जो विचार अभी भी समाज में व्याप्त है। जिस विचार की किताब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जलाई, उस विचार को जलाने के लिए हम लोग तैयार हैं, उसको हम जलाएंगे। औरतों के बीच में वो विचार व्याप्त है, उस औरतों के बीच में से उस विचार को उखाड़ कर हम लाएंगे, उसको खत्म करेंगे, और समानता का जो विचार है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, उसको लागू करवाएंगे। तमाम लोग कहते हैं कि मनु का विधान ठीक था, आज भी लोग उसे फॉलो करते हैं, तमाम जगह आपने देखा होगा। ये वही लोग कहते हैं जो जाति में विश्वास रखते हैं, औरत को पैर की जूती मानते हैं, अपनी ही माँ के हाथ का खाना खा करके उसी के हाथ को मरोड़ने का काम करते हैं, अपनी बहन के हाथ के कपड़े पहनकर धुले हुए उसी बहन को कपड़े पहनने की अकल सिखाते हैं। ये वही घटिया मानसिकता के लोग हैं जो कहते हैं कि मनुस्मृति अच्छी है, जो परजीवी है, जो दूसरों की कमाई पर खाना चाहते हैं कि एससी ओबीसी और माइनॉरिटी कमाए, मेहनत करे, और ये बैठ करके परजीवी एक जगह पर खाते रहे, पेट फुलाते रहे। तो ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति को मानने की बात करते हैं। आप लोग कहते हैं कि मनुस्मृति का राज आने वाला है देश में, क्यों कहते हैं ऐसा, जब बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी थी? इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान के विरुद्ध लगातार सरकारें काम कर रही हैं। इस देश के अंदर जो व्यवस्था में बैठ करके मजबूत लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, वो संविधान पर लगातार वार कर रहे हैं। वो लगातार मनुस्मृति की सोच को दिमाग में रख करके संविधान के विरुद्ध हर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि देश के अंदर वो लोग फिर से मनुस्मृति को लागू करके मनुस्मृति से हांकना चाहते हैं समाज को। लेकिन आज देश लोकतंत्र का स्वाद चख चुका है, यहाँ कोई भी महिला ना मनुस्मृति को मानने वाली है ना लागू होने देने वाली है। खासकर हम जैसे लोग तो करोड़ों इस देश के अंदर मर मिट जाएंगे, लेकिन मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे। आप लोग कहते हैं मनुस्मृति जो महिला विरोधी है, लेकिन तमाम लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छी है। अरे वो तमाम लोग वही तो है, मैं वही बता रही हूँ ना, वही तमाम लोग। मुझसे एक आदमी आकर के कह दे कि मनुस्मृति अच्छी है, बहस कर ले मनुस्मृति अच्छी है कि संविधान अच्छा है, मनुस्मृति कितनी अच्छी थी। जब मनुस्मृति अच्छी थी तो औरतों को जिंदा जला दिया जाता था चिता में, जब मनुस्मृति थी तब क्या कहते महिला का मुंडन कर दिया जाता था, जब मनुस्मृति थी तो महिला का पहला बच्चा, दलितों का, ओबीसी का पहला बच्चा जो है गंगा में सिराने का प्रावधान था। अंग्रेजों ने उस कानून को खत्म करा, सती प्रथा को अंग्रेजों ने खत्म करा कि नहीं, इंसान को जलाना एकदम अपराध है,
किसी भी महिला को जलाना ये किसी भी रूप से ना तो ये मानवीय रूप से ना नैतिक रूप से गलत है। महिलाओं के लिए इतना खतरनाक थी मनुस्मृति, तो फिर महिलाएं क्यों नहीं आज आ रही है बात? कारण यही था कि उन्होंने कभी समाज के बीच में उन्हें समाज से जोड़ा नहीं गया, उन्हें चार दीवारी के अंदर बंद रखा गया। खाना बनाओ, बच्चे पालो, बच्चे पैदा करो, पति की सेवा करो, पति परमेश्वर है। तो पति परमेश्वर वाला जो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में डाला तो उसने बाकी दुनिया से मतलब ही नहीं रखा। उसे लगा पति परमेश्वर है और घर का काम मेरा पति करा रहा, कोई बाहर का तो करा नहीं रहा। तो पति परमेश्वर बता करके पूरी महिला जाति को मनुस्मृति ने गुलाम बनाने का पूरा साजिश। पूरी महिला जाति को या सिर्फ बहुजनों को, दलितों को? नहीं, मनुस्मृति के मुकाबले कोई दलित की महिला या ओबीसी की महिला नहीं, पूरी महिला जाति नीचे। महिला तो कर रही है सब काम, देखे तो कर रही है, हर जगह काम भी कर रहे हैं। अगर व्यवस्था में महिलाएं हैं शिक्षित होकर के तो वो शिक्षा के बल पर है, वो किसी मनुस्मृति के बल पर नहीं है। और अगर वह शिक्षा के बल पर अगर वह किसी प्रशासनिक कुर्सी पर बैठी है और मनुस्मृति का पालन करने की बात करती है, उसको अच्छा बताती है, तो उनसे बड़ी दोगली और घटिया मानसिकता की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। आप कह रहे संविधान खतरे में बदलने बात हो रही, राहुल गांधी भी संविधान बचाने निकले देखिए देश। देखिए संविधान को राहुल गांधी जी ने अगर देश के अंदर, उनकी सरकार अब तक सरकारें रही, अगर कांग्रेस अब तक देश की जनता को संविधान के आर्टिकल के बारे में, अधिकारों के बारे में और कर्तव्यों के बारे में आम जनता तक पहुंचाती तो आज राहुल गांधी को अकेले संविधान बचाना नहीं पड़ता। इस देश की जनता, इस देश के गरीब लोग, गांव के लोग खुद संविधान को बचाते। आजादी के 75 वर्ष बाद भी, संविधान के 75 वर्ष बाद भी आज आम नागरिक, गरीब नागरिक, मजदूर नागरिक ये नहीं जानता कि संविधान किस चिड़िया का नाम है। तो जिन लोगों ने जाना उन्होंने जल्दी जल्दी उसको खत्म करने की भी कोशिश करी, साजिश के तहत लागू करवाया, साजिश के तहत खत्म करवा रहे हैं। बहुत तेजी से वो बहुत ज्यादा ऊपर है, कहते हैं ना फॉरवर्ड क्लास, तो जो भारत के अंदर फॉरवर्ड क्लास है बहुत जल्दी से चीजों को खींचती है और बहुत जल्दी से इस्तेमाल कर फेंक देती है, तो वही चीज आज देश के अंदर है। लेकिन मनुस्मृति का जो आज प्रोग्राम होता है ये सिर्फ दलित ही क्यों मनाते हैं, और कास्ट के लोग क्यों नहीं मनाते, और महिलाएं क्यों नहीं मनाती हैं इसको? वो जो है ना भेड़ है, भेड़ भेड़ को डंडा मार के हांका जाता है ना, वो बैसी वाली भेड़ है, वो आज भी मनुस्मृति के हांकने से चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो उस भीड़ में से निकल कर आ चुके हैं, कह रहे कि भेड़ों की भीड़ में हमें नहीं रहना है। जब भारत के अंदर हमें समानता का अधिकार मिल गया है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला करके ये साबित कर दिया कि ये धर्म ग्रंथ किसी का भला नहीं कर सकता, आज ये लोग एहसान मानते हैं, बाकी लोग एहसान फरामोश हैं। आज SC समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के किए हुए कामों का एहसान मानता है, क्योंकि उनकी बेरंग तस्वीर में अगर रंग भरा किसी ने तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भरा। यदि ओबीसी के महिलाओं की बेरंग तस्वीर में रंग भरने का काम किया तो बाबा साहब ने किया, या इस देश की समस्त जाति की, समस्त धर्मों की महिलाओं के लिए अगर अधिकार दिए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए। और अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मनुस्मृति जलाते हैं तो वो ये नहीं कहते मैंने जलाई तुम इस बात को एकदम मान लो, वो कहते हैं कि पहले इस मनुस्मृति को पढ़ो कि इसमें है क्या चीज, उसके बाद तुम इसको जलाना। लेकिन फॉरवर्ड महिलाएं नहीं आती, देखे वो सब कुछ मिला उन्हें संविधान से मनुस्मृति के बाद, वो फिर भी नहीं आती बाहर, आप ही लोग आते हैं सड़कों में। फॉरवर्ड महिलाओं को ज्यादा दिक्कत है इससे, फॉरवर्ड महिलाओं को भाई मान लो आज जब वो फॉरवर्ड महिलाएं ऊंचे स्तर पर बैठी हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, SC की महिलाएं उनके कपड़े धोकर देती हैं, घर में काम वाली बाई बना रखी है, उनके कपड़े प्रेस करके देती हैं, उनके क्या कहते हैं बच्चों को खिलाती हैं, वो पैसा कमाती हैं, वो उनकी नौकरानी बनी हुई है, तो व्यवस्था में तो आज भी ऊपर ही है, तो वो क्यों विरोध करेंगी, उन तो मजे आ रहे हैं। तो ये मजे लूटने वाली महिलाएं भी जान ले कि डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आप लोगों को यहाँ बैठने की जगह मिली है, वरना जूती माना जाता था पैर की जूती, एक पुरुष कितनी भी महिलाओं के साथ शादी कर सकता था और महिला नहीं कर सकती थी, तो ये संविधान में अधिकार मिला है बाबा साहब का। कपड़ों की बात करिए, कपड़ों को लेकर देशों का विवाद चल रहा है आजकल, तो क्या विवाद चल रहा है कपड़ों को लेकर के? कपड़े किसी भी रंग के कोई भी पहन सकता, किसी के बाप का रंग नहीं है। अगर तुम्हारा रंग है तो एक रंग बना के दिखाओ, सारे रंग प्रकृति ने बनाए और सबका उन पर समान अधिकार है। कपड़ों पे, रंगों पे कब्जा जमाते, दूसरों के मठों पर कब्जा जमाते, दूसरे के बुद्ध को भगवा करके मूर्ति बना देते हैं, तो तुम्हारा अपना कुछ है, कुछ मेहनत करके बनाओ भी, या कब्जा जमाना ही आता तुम लोगों को? कह रहे भगवा का अपमान हो गया देश। अब देखो यहाँ कितने लोग, ये कारपेट जो ना नीचे भगवा रंग की, आप भी खड़े हो, मैं भी खड़ी हूँ, तो हो सकता है हम सब पे भी जो है वो विरोध कर दें। कितने देश के अंदर, विदेश के अंदर क्या भगवा रंग जितनी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, इतने सारे बाबा भगवा रंग पहन के महिलाओं की तरफ गंदी नजर रखते हैं, बलात्कार कर देते हैं, तो तब भगवा का अपमान नहीं होता? भगवा का अपमान नहीं हुआ है,
ये कुछ भीड़ को इस्तेमाल कर रहे हैं कि कितनी मूर्ख है, कितनी हमारे हिसाब से चलती है। कह रहे हैं देश में भगवा को लेकर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बदनाम कर रहे हैं, बड़ा षड्यंत्र है। भगवा को तुम्हारे बस की नहीं है बदनाम करना, क्योंकि भगवा बुद्ध ने अपनाया लेकिन उन्होंने उस पर कब्जा नहीं किया। भगवा को इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे पहले बुद्ध ने अपनाया, और आज भी सारे बौद्ध भिक्षु आप देखेंगे कि भगवा रंग में होते हैं। इन्होंने भगवा रंग को कब्जा करने के लिए ड्रामा करा है कि ताकि कल को कह सके कि हिंदुओं का रंग है, इसकी सुरक्षा हमने की है। तो आपको कोई गाने में दिक्कत नजर नहीं आती? अरे वो गाना कोई सा भी गाए, पहली बात तो ये वो ब्राह्मण है, अगर गाना वो गा रही है, बिकनी वो पहन रही है, तो उसका पुतला फूको ना भाई, कि भाई तू क्यों कपड़े ऐसे पहन रही है। मैं तो ये कहती हूँ इन्हीं की बेटियां नंगी पुंगी होकर के पैसे कमाती हैं, इन्हीं की बेटियां मुस्लिमों से शादी करती हैं, इन्हीं की बेटियां फिल्मों में काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाती हैं। तो भैया तुम विरोध किसका अपना रहे हो? अपनी बेटियों को रोक लो ना, अपनी बेटियों को फिल्मों में जाने से रोक लो, इंडस्ट्री में जाने से रोक लो, वो तुम्हारे बस की दम नहीं है, तुम वो कर नहीं सकते, तो तुम्हारा क्या काम है? आम पब्लिक को भड़काने के लिए तुम लोग लग जाते हो। शाहरुख खान का विरोध कर रहे हो, विरोध करना दीपिका पादुकोण का करो, अगर तुम्हें शाहरुख खान के नंगेपन से विरोध हो तो शाहरुख खान का करो, लेकिन दीपिका ने वो बिकनी पहनी है, उससे भी छोटी बिकनी कंगना रनौत पहन के घूमती है, तो उससे कुछ नहीं, संस्कृति वो होती, तुम्हारी संस्कृति ऊंचाई पर चढ़ती है, वो तुम्हारे धर्म को बचाती है ना वो। तो दीपिका पादुकोण भारत की बेटी नहीं है? हम भारत की बेटी नहीं है, आप भारत की बेटी नहीं है, हमारे लिए कितने लोग बोलते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जाता है ना दीपिका को। टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये है जो देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, जो आम जनता के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, धर्मों के टुकड़े कर रहे हैं, रंगों के टुकड़े कर रहे हैं, इंसानियत के टुकड़े कर रहे हैं, महिला महिला में टुकड़े कर रहे हैं, महापुरुषों के विचारधारा में टुकड़े कर रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग ये है जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। अच्छा अभी आपने महिलाओं की बात की, तमाम महिलाएं जो हैं आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं और पदों पे आ रही हैं, लेकिन उन शोषित वर्ग की जो महिलाएं हैं यानी कि एससी एसटी ओबीसी, वो तो आज भी जो है धार्मिक आस्था पर विश्वास रखती हैं, व्रत रखती हैं, उसको आप कैसे हटाएंगे? उसको हटाने के लिए ही ये कार्यक्रम चल रहे हैं, गांव-गांव में हम लोग टीम खड़ी कर रहे हैं। देश के अंदर अभी हम लगभग हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ता तैयार करेंगे और महिलाओं के जरिए महिलाओं में जाकर के पाखंड और अंधविश्वास को खत्म करके उनका वैज्ञानिक तर्कवाद की ओर लेकर आएंगे। अभी जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, उस हिंदू राष्ट्र में जो एससी एसटी ओबीसी है वो अपने आप को हिंदू बता रहा है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है कि मैं हिंदू हूँ। कोई नहीं बता रहा, हम तो नहीं बता रहे, हमसे बात करो, अगर कोई बता रहा तो अभी वो अनजान है, बेचारा भोला है, इनोसेंट है, उसे पता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र में उसको कहाँ जगह मिलेगी, उसको पैरों में जगह मिलेगी। मैं तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं चाहती जहाँ मुझे पैरों में जगह मिले, और मेरे जैसा पैदा हुआ एक इंसान जो ऊंचाई पर बैठे, अगर योग्यता के आधार पर तुम किसी को जगह देते हो तो ऐसा राष्ट्र बनाओ ना जहाँ योग्यता की वैल्यू हो, जहाँ इंसानियत की वैल्यू हो, जहाँ महिलाओं को समानता अधिकार हो। आप ऐसा कौन सा राष्ट्र बना रहे हो जहाँ पर ऊंच नीच वाली क्या कहते हैं खाई वाला समाज बना देना चाहते हो? जब ऊबड़ खाबड़ जमीन अच्छी फसल तैयार नहीं कर सकती तो ऊबड़ खाबड़ समाज भी अच्छा राष्ट्र तैयार नहीं कर सकता। अभी आपने कहा कि भोले हैं एससी एसटी ओबीसी, यानी कि आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, यानी कि विक्टिम कार्ड है ओबीसी एससी एसटी ओबीसी, विक्टिम कार्ड खेलना ही आता है आरक्षण के बल पे, यानी कि उसके अंदर इतने टैलेंट नहीं है कि आरक्षण के बलबूते ही आगे बढ़ता है। देखिए 70 साल, अभी 75 साल हुए, 75 साल पहले से लगभग 5000 सालों से ये मेरिटधारी लोग सारी चीजों पर खुद कब्जा किए हुए थे, इन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन आज जब केवल 75 वर्ष हुए और वो भी पूरी तरीके से आरक्षण लागू नहीं किया, तो इन्होंने उनके शिक्षा के और नौकरी के आरक्षण को भीख कह दिया। लेकिन अब EWS का भीख इन्होंने क्यों ले लिया, क्यों कटोरा फैला करके ले लिया? तुमने EWS के लिए भीख के लिए नहीं फैलाया होता तो तुम इसको भीख कह सकते थे? आर्थिक आधार पे दिया है उनको, संविधान में कहीं आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का कोई भी उल्लेख नहीं है। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, व्यवस्था में पीछे धकेले हुए लोगों को बराबरी देने के लिए, समानता देने के लिए, अवसरों की समता प्राप्त कराने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। ये संविधान के अगेंस्ट EWS दिया गया, तब की एक भी ब्राह्मण इस पर आकर नहीं बोला, और खा करके चाट करके बैठेंगे, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करेंगे। तो ये भिखारी हैं असली वाले, ये मंदिरों में ये भिखारी, मंदिरों में ये कटोरा लेके बैठे दान के नाम पर, ठीक है, हर देश के अंदर कोने कोने में कथावाचकों के नाम पर ये भीख लेकर बैठे हैं। जगह जगह देख लोगे, एक एक गांव में आपको चार चार पंडे पुजारी मिल जाएंगे घूमते फिरते, तो वहां भीख लेकर ये कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर के नाम पर भीख लेते हैं, ग्रह बदल देंगे, नक्षत्र बदल देंगे, कुंडली बदल देंगे, शादी की तारीख निकालने के नाम पर भीख लेते हैं, बच्चे का नाम रखने के नाम पर भीख लेते हैं, और तो और कोई मर जाए तो 13वीं और 14वीं भी करने के नाम पर भीख लेते हैं, खाते हैं खूब। ये तो ना मरने में खाने पर छोड़े, ना जिंदा खाने पर छोड़े, तो खाने के लिए जीते हैं और खाने के लिए ही ये मर जाते हैं, मरे हुए को भी खा जाते हैं। आप लोगों को क्यों भड़काते हैं?
कौन भड़क रहा है मेरे कहने से? मेरे कहने से देश एकजुट हो रहा है। मेरी आवाज से महिलाओं के कानों में उनकी आजादी के स्वर जा रहे हैं। मेरी आवाज से देश के युवा इकट्ठे हो रहे हैं। मेरी आवाज से इस देश के हुक्मरान जो बैठे हुए हैं सत्ता पर कब्जा करके कुछ परसेंट लोग, उनके कानों में तेजाब डल रहा है। वो मुझसे नाराज जरूर हो सकते हैं जो हराम का खाना चाहते हैं। मेहनत करके खाने वाला एक एक व्यक्ति मेरे साथ है और देश की 130 करोड़ आबादी में कुछ चंद मुट्ठी भर लोग, चुटकी भर लोग जो हमेशा व्यवस्था में ऊपर बनकर ऐसे लोगों को पैर में कुचलकर पैर की जूती समझ करके खा लेना चाहते हैं उनकी मेहनत को। वो रोटी बनाए और रोटी जब बनकर के थाली में आए तो ये खा जाए, जो ऐसी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं वो लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वाला मुझसे नाराज। आप लोगों को तोड़ती है, भड़काती है। कौन टूटा है भैया? कोई एकाधिक है या टूटा हुआ? कौन टूटा है? मेरे कहने से तो लोग जुड़े हैं। आप देखिएगा, जब जब हमने लोगों से बात की है तब तब लोगों ने अपना दर्द रखा है। हम उन दर्दों को रखते हैं, उन कहानियों को रखते हैं, उन 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 पीड़ाओं को रखते हैं जिन